हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गुप्ता नित्या मोम्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे सूजी का एकदम हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। और ये दोस्तों एकदम नई रेसिपी है, एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें और रेसिपी को एंड तक जरूर देखें। आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों सूजी के नगेट्स, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल बाजार से भी ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और मार्केट से भी बहुत अच्छे भी लगते हैं। बच्चों के लिए भी दोस्तों ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, पार्टी में भी आप इस तरीके का स्नैक्स बना सकते हैं। आइए दोस्तों हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यहाँ दोस्तों सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ छोटी चम्मच से भी जितना एक चम्मच ऑयल ले लिया है। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होने लगेगा मैंने इसमें राई डाल दिए। यहाँ मैंने एक चम्मच राई का यूज़ किया है। इसके बाद मैंने दो हरी मिर्ची, जिनको मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया था, वो इसमें डाल दिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा तीखे का ध्यान रखें कि आप कम मिर्ची का यूज करें। मिर्ची को हम थोड़ा सा सेकेंगे। मिर्ची जैसे ही सेक जाएगी हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ मैं एक कप सूजी का स्नैक्स बना रही हूँ, इसलिए यहाँ मैंने ढाई कप पानी का यूज किया है। पानी मैंने यहाँ ढाई कप पानी ले लिया है। पानी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसमें हम स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। दोस्तों ये जो रेसिपी है खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ही इजी है। मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है बारीक काट कर, आप चाहें तो हरा धनिया बाद में मिला सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। मैं दोस्तों थोड़ा सा चटपटा बना रही हूँ। अब इसमें मैंने एक कप सूजी ऐड कर दी है, आप सूजी जो चाहें वो इसमें ले सकते हैं। मैंने बारीक यहाँ सूजी का यूज़ किया है, एकदम बारीक नहीं है, मतलब मीडियम साइज़ की जो सूजी आती है नॉर्मली मार्केट में, मतलब मोटी नहीं है, मैंने वो सूजी का यहाँ पे यूज़ किया है। आप जो चाहें वो सूजी यहाँ ले सकते हैं। इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक ये जो सूजी है पानी एब्जॉर्ब ना कर ले और ये एक अच्छा सा डो हमारा तैयार ना हो जाए। ये देखिए, इसी तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे और हर जगह से इसको मिक्स करते रहेंगे, सूजी जो है वो हमारी अच्छी तरीके से फूल ना जाए। ये चीज़ आप ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने ढाई कप पानी का यूज़ किया है, मतलब एक कप सूजी में मैंने यहाँ ढाई कप पानी का यूज़ किया है। ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ उबले हुए आलू ले लिए हैं, यहाँ लगभग मैंने दो उबले हुए आलू मिक्स कर दिए हैं इसी में, और हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सूजी में जो आलू है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। चम्मच की सहायता से हम इसे मिलाएंगे क्योंकि अभी जो सूजी है वो हमारी गर्म है। अगर आप ठंडा होने के बाद मिलाना चाहें तो आप हाथ का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम मैश करते जाएंगे। सूजी अभी गर्म है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। गैस की फ्लेम को यहाँ मैंने लो रख लिया है क्योंकि हमें मीडियम भी नहीं करनी है। ये देखिए पूरा काम दोस्तों हम लो फ्लेम पर कर रहे हैं, कोई बिल्कुल भी गैस को हमने मीडियम भी नहीं किया है। अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारा जो डो है सूजी का वो ठंडा भी हो गया, इसलिए मैं इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें आलू के कोई भी टुकड़े ना रहें। ये देखिए इस तरीके से हम हाथ से इसे मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, एक बार आप इस तरीके से बनाइएगा जरूर, आपको बहुत पसंद आएंगे ये नगेट्स। आप मार्केट के नगेट्स खाना भूल जाएंगे अगर आप इस तरीके से एक बार सूजी के नगेट्स बनाकर देखेंगे। इवन आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं और अपने साथ ट्रेवल में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं। डो हमारा तैयार हो गया है, मैंने हथेलियों पर तेल ले लिया है इस तरीके से। ये देखिए मैंने दोनों हथेलियों को अच्छे से तेल से कर लिया है। अब हम इनकी छोटी छोटी लोई बनाकर इनको सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। आप जो चाहे वो शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो चौकोर भी बना सकते हैं, इसको बेलकर जैसा आप शेप देना चाहे वैसा दे सकते हैं। मैंने जैसे हम नगेट्स आते हैं मार्केट से वैसा ही इनको शेप दिया है। ये देखिए इस तरीके से हम छोटे छोटे इनको नगेट्स का शेप दे देंगे। आप बहुत ही आराम से दोस्तों ये रेसिपी बन जाती है, बच्चों को भी दोस्तों ये बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। आप अपनी किटी पार्टी या नॉर्मली बर्थडे पार्टी या छोटी मोटी पार्टी में भी इस तरीके का स्नैक्स रख सकते हैं। चाय के साथ भी आप इस स्नैक्स को ले सकते हैं। बहुत ही खाने में एकदम टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार दोस्तों ये लगते हैं। तेल को हम गर्म होने के लिए रख दिया है दोस्तों। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें अपने जो सूजी के हमने नगेट छोटे छोटे बना लिए थे वो इनको फ्राई करेंगे।
एक एक करके धीरे धीरे करके हम इसमें डालेंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ मैंने मीडियम रखा हुआ है, तेज़ नहीं किया हुआ ना ही लो किया हुआ, क्योंकि हमें तेल को ठंडा नहीं करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी आप नगेट्स डालें तो तेल ठंडा ना हो, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। इसलिए गैस की फ्लेम को यहाँ मैंने मीडियम किया हुआ है और जो तेल है वो ऑलरेडी हमारा गर्म था तो उसका जो टेम्परेचर है वो बना रहेगा। ये देखिए धीरे धीरे करके हम इसमें डालते जाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों, रेसिपी को एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी दोस्तों ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब हम इनको अच्छी तरीके से सेकने देंगे। हमें इन्हें जब तक सेकना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। पहले हम एक साइड से सेकेंगे, फिर हम इनको पलटेंगे दोस्तों, धीरे धीरे करके हमें पलटना है ताकि इनका जो शेप है वो टूटे नहीं। ये देखिए इस तरीके से हम इनको चम्मच की सहायता से या फॉर्क की सहायता से थोड़ा इनको पलटते जाएंगे। इन्हें हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकना है, इसलिए आप इसे धीरे धीरे करके आराम से पलटें ताकि इनका जो शेप है वो टूट ना जाए। ये देखिए बहुत ही आराम से दोस्तों ये पलट जाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, नित्या मॉम्स किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए अच्छे से हम इन्हें सेकते रहेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों ये धीरे धीरे इनका जो कलर है वो चेंज होने लगा है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हमें मीडियम रखना है, मैंने फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं किया है और इन्हें हम धीरे धीरे करके पलटते रहेंगे। और अच्छे से हम इन्हें क्रिस्पी होने तक सेकेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। एक बार आप इस तरीके से सूजी का नाश्ता बनाइएगा ज़रूर, आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गए, अब हम इनको निकाल लेंगे आराम से। ये देखिए दोस्तों हमारे सूजी के नगेट्स जो हैं वो सिककर तैयार हो गए, इनको हम धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी और इनका कलर भी कितना अच्छा हो गया है। और दोस्तों ये बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं ऊपर से, अंदर से उतने ही ये सॉफ्ट लगते हैं। धीरे धीरे करके हम सारे नगेट्स को निकाल लेंगे, इनका कलर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा इनका जो कलर है वो अच्छे से हो गया है। सिककर हमें इसी तरीके का इन्हें कलर करना है। अब हम बाकी बचे हुए नगेट्स भी इसी तरीके से सेक लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद अगर ना आए तो चैनल को बिल्कुल आप डिसलाइक कर दीजिएगा, रेसिपी को बिल्कुल आप डिसलाइक कर दीजिएगा, मैं और इम्प्रूव करूँगी। अगर लेकिन अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस रेसिपी को लाइक करें और शेयर भी करें। ये देखिए बाकी बचे हुए नगेट्स को भी हम इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। ये नगेट दोस्तों खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, चटनी या सॉस के साथ आप इन्हें सर्व कीजिएगा, चाय के साथ भी आप इन्हें ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे सूजी की जो नगेट्स है वो बनकर तैयार हो गए। आप चाहे तो इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें वेजिटेबल ऐड नहीं किए। ये देखिए ऊपर से बहुत क्रिस्पी, अंदर से उतने ही सॉफ्ट, खाने में बहुत ही मज़ेदार दोस्तों। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे सूजी की नगेट्स। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आसान से बनने वाली रेसिपी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। आप छोटी मोटी पार्टी में आप इस तरह का स्नैक्स आप बना सकते हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। नित्या मॉम्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली रेसिपी में, रेसिपी को बनाएं और कमेंट करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।